आप बदमाशी से 30 रुपए लिए, आपने नहीं 30 लिए, 20 रुपए आप में उससे 30 नहीं लिया, इसके बाइक पे हम रिकॉर्ड दिखाए आपको। अंकल जी एक मिनट बात सुनिएगा, आप 30 क्यों दे रहे थे? ऐसी रोज थी भाई देने, आपने पहले मुझे दिए कभी 30? 15 दिन हो गए धक्के खान दे हैं थे, तू ना आएगा और कोई 10 रुपए लिख के लाया है। ये जी इधर दिखाएं जरा, ये 10 रुपए लिख के लगाया हुआ मोटरसाइकिल, 10 रुपए अब क्यों 20 ले रहे? क्या नाम है मेरे भाई का? फहद। फहद भाई क्या रेट चल रहा है फहद भाई आजकल? 10 रुपए। 10 रुपए बाइक के? हाँ जी। कितने दे रहे हैं भाई जान? 20 रुपए। कभी 30 ले, फहद भाई 20 ले लेते हैं। ये मोटरसाइकिल पे डेट देखें आप कब की है, 3 तारीख की है। नहीं नहीं इसको छोड़ें, आप ले कितने रहे हैं? 20 रुपए अंदाजा। अच्छा 20 हो गए, आप 20 नहीं आप 30 रुपए ले रहे हैं? नहीं 20 ले रहे। आप बदमाशी से 30 रुपए लिए, आपने नहीं 30 लिए, 20 रुपए आप में उससे 30 नहीं लिया, इसके बाइक पे हम रिकॉर्ड दिखाएं आपको। नहीं हेलमेट नहीं था, हेलमेट के बगैर आप 30 नहीं ले रहे, रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको? 30 लेते हैं हेलमेट के साथ। हेलमेट के बगैर 30 नहीं लिया आपने? नहीं कभी नहीं लिए। नहीं लिए देख लेना, 10 रुपए हेलमेट के हैं, 20। ये आप इस वक्त स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, कह रहे हैं मैंने कभी 30 नहीं लिए, जिंदगी में कभी नहीं पकड़े। पहले 10 से शुरू हुए थे, उन्होंने बाद में देखा कि पर्ची पे 20 लिखा, मैं 10 किस हिसाब से ले रहा हूँ, फटाफट अकल आ गई कि नहीं नहीं 20 लेने। अब मौसूफ कह रहे हैं हम 20 ही लेते हैं, 30 नहीं लेते। 10 रुपए जो लेते हैं ना वो लोअर पार्किंग है, ये प्राइवेट स्टैंड है, 20 रुपए इसके हम लेते हैं, 10 रुपए हेलमेट के साथ। 20 की तो बात ही नहीं है, 20 ले लें, आप 30 ले रहे हैं भाई जान। 10 रुपए आपको बताया हेलमेट के हैं, 20 पर्ची के हैं। अगर हेलमेट के बगैर 30 लिए वो बाइक के तो कौन जिम्मेदार? अगर गलती से ले लिया तो वो ज्यादा बात नहीं, अगर बदमाशी से लिए हो फिर क्या सजा? बदमाशी नहीं हम कर, क्या सजा होनी चाहिए? बदमाशी होती है अगर जो जबरदस्ती पैसे। अगर कोई बंदा कहे जी रेट बढ़ गए ने पिछले हफ्ते से पर्चियां नवीं आ जानी है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये किस चीज के पकड़े? ये वापस ले लें हजरत, सुनी गई जी टाटी, मुबारक हो आपको। फाद साहब आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बाइक थी जी आपकी? हाँ जी भाई। अच्छा बाइक के 20 लिखे पर्ची के हिसाब से तो लेगा मतलब? हेलमेट था अंकल जी आपका? नहीं भाई हेलमेट, हेलमेट भी नहीं था, 30 रुपए दे रहे थे। अच्छा चले छोड़े, अंकल जी एक मिनट बात सुनिएगा, आप 30 क्यों दे रहे थे? ऐसी रोज थी भाई देने। फाद साहब आपने मुझे दिए 30? आपको पकड़ाए हैं हजरत, आपको पकड़ाए हैं। आपने दिए, आपने पहले मुझे दिए कभी 30? 15 दिन हो गए धक्के खान दे हैं थे, तू ना आएगा और कोई आएगा। भाई जान कितने पैसे दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम आया हूं, 20 दे रहा हूं। 20 दे रहे हैं? 20 लिखे हुए हैं। आपसे पता है इन्होंने 10 लेने हैं, आपसे 10 लेने नहीं है, जाहिर है बसी पे 20 लिखा हुआ है, आपको खा भी उनसे 10 क्यों लिए हैं? कोई अपना हिसाब तो एक रख लें, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं आप? 20 रुपए लिखे 20 ही लेते हैं पर्ची, तो उनसे भी 10 क्यों लिए, उनको 20 क्यों वापस किए? वो मैं समझा शायद उनका हेलमेट है सर। आप खुद बताएं अगर जो बंदा ज्यादा ले रहा उसको फिर सजा होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी अभी अमल में आनी चाहिए। ये कितने पकड़े? 20 रुपए ये लिखा हुआ 20। यार अभी 2 मिनट पहले आप 30 ले रहे थे। नहीं नहीं 20 रुपए। ये किस तरह अचानक से किस तरह चेंज? शायद वो कोई गलतफहमी आपको हो गई है। 30 लेते हैं? लेते हैं। 30 ले रहे हैं? अगर मैं नहीं, अभी आप देखेंगे ना तो पर्ची पे पड़ा भी नहीं सही जाता। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? इंतजामिया जिम्मेदार है। 10 रुपए लिख के लाया है। ये जी इधर दिखाएं जरा, ये 10 रुपए लिख के लगाया हुआ मोटरसाइकिल, 10 रुपए अब क्यों 20 ले रहे हैं? अब तो लिख के लगाया हुआ 10 रुपए। ये तो पुराने लिखे हैं। ठेकेदार को बुलाएं, बुलाएं फौरी, बुलाएं जल्दी करें, ठेकेदार साहब को बुलाएं। फोन करिए, आ जाए इधर, आ जाए फोन कर लो। अच्छा लोरों बाहर गए हो सकता है, मैं तो अब आया सुन। अच्छा और रात को शायद चले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूछ लो यार, उन्होंने बुला लो यार, बुला लें फाद साहब जब कह रहे हैं बुला लें तो बुला लें। वैसे थोड़ी सी कोई गिल्ट हो रहा है, कोई शर्म आ रही कि यार मैं मरीजों के मुंह से नवाले छीन रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करें? आपकी तो गलती नहीं है, आप जिसको छुपा रहे हैं उसकी गलती है, ठेकेदार साहब को। वो अभी एक मिनट पहले इधर थे, साथ ही आपने कहा नहीं जी लोरू बाहर चले गए। मैंने तो आपके सामने उसको कहा बुला लें। बुला रहे हैं ठेकेदार साहब को कि नहीं? आप उसको शायद पता होगा बाहर चले गए, लोर से मेरे लिए नहीं है। अच्छा किसी से 10 लेंगे किसी से 30 लेंगे तो फाद साहब ये तो ज्यादती नहीं हो जाएगी? नहीं 20 ही लिखे हैं, 20 ही लेते हैं। 20 ही ले रहे हैं। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ की इंतजामिया पर सवालिया निशान है, यहाँ के MS साहब पर सवालिया निशान है कि उनकी नाक के नीचे बैठे करप्शन हो रही है पता ही नहीं है, गफलत की नींद सोए हुए हैं, काश कोई इनको उठा सके उस गफलत की नींद से, काश कोई अरबाब इख्तियार में से होश के नाखून ले और एक्शन लेके इन गरीबों को भी रिलीफ दे जो अंदर एक मजबूरी में ऑलरेडी मजबूर होते हैं, बाहर आके ये निचोड़ लेते हैं।